सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। रोटरी क्लब ऑफ सोनीपत अपटाउन ने वृद्धों के सम्मान में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसे समर्पण का नाम दिया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रोटेरियन सुभाष जैन ने शिरकत की। इस अवसर पर समाज कल्याण शिक्षा समिति द्वारा चलाए जा रहे वृद्ध आश्रम के 14 वृद्धों को सम्मान दिया गया। सभी बुजुर्गों को खाना खिलाया गया और उनको जरूरत का सामान भी दिया गया। रोटेरियन सुभाष जैन ने कहा कि परिवार की शान कहे जाने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग आज परिवार में ही अपने अस्तित्व को तलाशते नजर आ रहे हैं। जिन बुजुर्गों ने तिनका तिनका छोड़कर अपने बच्चों के लिए आशियाना बनाया, वो पुरानी पीढ़ी के लोग अब खुद आशियाने के लिए दर बदर इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे में उनका ठिकाना बन रहे वृद्ध आश्रम, जहां इन्हें रहने को छत और खाने को भरपेट भोजन मिल रहा है। बस यहां कमी है तो उस औलाद की, जिन्हें माँ बाप ने अपना खून पसीना एक करके पढ़ाया लिखाया था, परंतु आज उसी ने उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। इसमें दोष हमारा नहीं बल्कि पश्चिमी संस्कृति का है, जिसका अंधा अनुसरण करके युवा पीढ़ी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई है। बगैर कुछ सोचे समझे हम भी दूसरों की देखा देखी एकल परिवार प्रणाली को अपनाकर अपनों से ही किनारा कर रहे हैं। बड़े बुजुर्ग परिवार की शान है, अपने प्यार से रिश्तों को खींचने वाले इन बुजुर्गों को भी बच्चों से प्यार और सम्मान चाहिए, अपमान और तिरस्कार नहीं। अपने बच्चों की खातिर अपना पूरा जीवन दांव पर लगा चुके इन बुजुर्गों को अपनों की प्यार की जरूरत है। यदि हम इन्हें सम्मान और अपने परिवार में स्थान देंगे तो शायद वृद्ध आश्रम की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। ये जो समर्पण का प्रोग्राम रोटरी क्लब सोनीपत अपटाउन ने किया है, और 17 बुजुर्गों का जो मान और सम्मान कर रहे हैं, और अपने बुजुर्गों का मान और सम्मान करना प्रेस किया, इससे बड़ा प्रयास नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में 13 करोड़ बुजुर्ग हमारे पास आज की डेट में हैं, जिसमें से जिसकी पूरी जनसंख्या का करीब 9% हमारे बुजुर्ग हैं, और उसमें से 3% बुजुर्ग ऐसे हैं जो अलग अलग वृद्ध आश्रम में रहते हैं। तो ये एक मैसेज है दिल्ली सोनीपत अपटाउन की तरफ से कि आप इस तरह के कार्यक्रम अगर करते रहेंगे, इस तरह के बुजुर्गों की सेवा करते रहेंगे, तो एक समाज के लिए मिसाल कायम होगा, एक समाज के लिए पहल है, और समाज की इससे बड़ी सेवा नहीं हो सकती। यंग जनरेशन को क्या संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से? जनरेशन को ये देना चाहते हैं कि जो अपने बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें, उनको प्यार दें, क्योंकि आजकल हम क्या हो गया है कि अपनी नौकरी के चक्कर में, अपने छोटे परिवार के चक्कर में अपने बुजुर्गों को हम भूल जाते हैं, उनको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं, जबकि इस उम्र में उनको सख्त ज़रूरत है आप लोगों।